मेरा अनुभव गांधी फेलोशिप में काफ़ी रोचक रहा और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला। शुरुआत में तो काफ़ी परेशानी हुई एडजस्ट करने में राजस्थान के कल्चर के साथ, उसको ओवरकम करने के दौरान काफ़ी मुझे सीख मिली कि कैसे अजनबियों के साथ काम किया जाए, अनजान लोगों के बीच रह के उनसे रिश्ता कैसे बना। नेक्स्ट थ्री सेमेस्टर्स वी विल एक्सप्लोर मोर एंड द टीम इज़ अमेजिंग। आई रियली डेडिकेट माई होल सक्सेस टू द टीम, आवर टीम, टीम मेम्बर्स एंड PL एंड FQM। My journey has been great. It's been a sine curve, a roller coaster ride, and I made great relations in school and in community, which led to my PSP. And the volunteers are great. The kids love to come to study over there. They love the games that we play. They love the Balgeets. They love the volunteers. They've come to love the volunteers. Initially, they didn't. And I hope I'm able to sustain it, and let's see what the future has in store. क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कमज़ोर बच्चे भी होशियार बने, होशियार बच्चों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर चले, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ वो दिल से सीखे और उसे ग्रहण करें और अच्छे से उनको समझ में, यही कोशिश रहती है मेरी। मैं उन बच्चों को भी होशियार बच्चों के साथ जोड़ना चाहती हूँ, उन्हें कभी पीछे नहीं देखना चाहती, इसीलिए मेरी कोशिश जरूर पूरी होगी। यही सोच कर मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हूँ और पूरे दिल से पढ़ाती हूँ। Last 3 months was full of challenges, traveling, adventure and learning. At the same time, talking about PSP, I did it in BSR. Initially it was tough because I couldn't find volunteers, teachers were not supportive. But with the continuous effort, I was able to add like 8 volunteers. On average, there are 25 kids and it is going pretty well since last 15 days. गांधी फेलोशिप में आने से पहले यही पता था कि स्कूल में जाना है और बच्चों के साथ काम करना है, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए जो कि आगे की लाइफ में बहुत काम आएंगे। 3 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जानने को मिला है, लोगों को समझने का मौका मिला, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि बच्चों के साथ कैसे काम करें एक अनजान माहौल में, अनजान लोगों के बीच में किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को प्रूव करना। तो ये 3 महीने की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग रही मेरे लिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेके जो कार्य चल रहा है उसमें CRT, PSP और विभिन्न प्रोजेक्ट हाथ में लेकर हम गांव में काम कर रहे हैं। हर रोज नए नए लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, गांव की समस्या पहचानने की कोशिश करना और उससे उस पर क्या हल निकल सकता है उस पर हर रोज डिब्रीफ में आके बातचीत करना एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। कहते हैं कि इस देश को जितनी हानि दुर्जनों के दुर्जनता से नहीं हुई उतनी हानि सज्जनों के निष्क्रियता से हुई है। तो कल के युवाओं को सक्रिय बनाने के लिए गांधी फेलोशिप और हमारी पूरी टीम अच्छी कोशिश कर रही है और मुझे विश्वास है
कि एक दिन हम सफल होंगे। मेजर एक्सपीरियंस रहा वो टीचर्स और हेडमास्टर के साथ काम करना रहा, बट अभी वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके वो स्टेज आ गया है दैट वी ऑल टुगेदर हम एक एक्टिविटीज पे काम कर रहे हैं। अभी तक की मेजर जो मेरा अचीवमेंट रहा है दैट इज पीएसपी। एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई नहीं मिल रहा था, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड एन इवनिंग स्कूल जिसका नाम है मेक्सर बाल विकास संस्थान, और यहाँ पे रोज बच्चे आते हैं एंड इट्स बहुत अच्छा लगता है जब कॉलेज के कुछ बच्चे इकट्ठे मिलकर सेल्फलेस होकर बिना कुछ लिए बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। Hi, I am Shankar from Tamil Nadu. चार महीना पहले मैं इधर आए थे, उस दिन मेरा का कोई नहीं हिंदी आती है, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी आती है। क्या बोलना पड़ेगा, गांधी फेलोशिप में मेरा इंटरेस्ट, मतलब फ्रैंकली सेइंग इन माय लाइफ दिस इज द सेकंड टाइम आई एम वर्किंग विथ हैप्पीनेस एंड इंटरेस्ट, बिकॉज बिफोर आई वर्क एज असिस्टेंट डायरेक्टर या आई वॉज एंजॉइंग इन ओवर देयर, बट इन माई लाइफ दिस इज आई मीन वेन एवर आई एम गोइंग स्कूल I am enjoying. Because of students, because of kids. Yeah. Because before I didn't there this kind of environment, but here I am enjoying. I want to work in Gandhi Fellowship next 2 years because of my students, especially kids, especially my Asal Care students. So here I started evening class running more than 1 month. मैं राजेंद्र सिंह नाथावत, ग्राम पोस्ट आसलकेड़ी, तहसील जिला चूरू का रहने वाला हूँ और वर्तमान में नवज्योति माध्यमिक विद्यालय के महाश्रम में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ श्री शंकर जी जो कि तमिलनाडु से हैं, उनसे संपर्क हुआ और साथ में सूर्य बांधी आए, उन्होंने हमें यहाँ पे पिरामिल फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में बताया जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, और हमने गांव में भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमने अपना जो योगदान देने के लिए संस्था में पढ़ाना शुरू किया और 5-6 वॉलेंटियर के साथ मिलकर हमने यहां पे इवनिंग क्लासेज शुरू की। इस कार्य में हमें आनंद आ रहा है और हम लोग मिलकर के गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। मेरा नाम ज्योति है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, हमें इवनिंग क्लास बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम सपना है, मैं 6th कक्षा में पढ़ती हूँ, हमें बहुत अच्छे पढ़ाते हैं।
मैं विक्रम स्वामी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में टीचर हूँ। तो अभी हमारे यहाँ जो पिछले 4 साल से एनजीओ हैं गांधी फेलोशिप वाले, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और अभी जो हाल ही में पिछले 70 से सूर्य भांजी जाधव जो फेलो आए हैं हमारे पास, तो उन्होंने बच्चों के साथ अच्छी तरीके से और बहुत सारे नए नए काम किए हैं, जिनमें ये सांप सीढ़ी हो गई और लेसन प्लान भी हो गया, और उनके साथ बच्चों को टेक्निक से भी जोड़ा है, जिससे बच्चे काफ़ी रुचि लेके सीख पा रहे हैं। और मुझे लगता है ये होना चाहिए और ये एक सार्थक प्रयास है। मैं श्रीमती वीरमती कस्वा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में प्रधानाध्यापक कार्यकर्ता हूँ। 1992 से मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ और एनजीओ द्वारा हमारे सूर्य भान जुड़े हैं, उन्होंने इतना स्कूल में बदलाव कर दिया, बच्चों के साथ मिलकर पूरा सहयोग कर रहे हैं, सारी क्लासों में फ्लैश कार्ड बने हैं, चार्ट बना रहे हैं और पूरी लगन से कर्मनिष्ठ से सहयोग बच्चों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं पूरी लगन से, और बच्चे भी खुश खेलते खेलते हंसते हंसते उनके साथ भाग ले रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं अपना, और शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है और सूर्य भान भी पूरी लगन से कर रहे हैं। तीन महीने और कुछ दिन पहले जो फेलोशिप स्टार्ट हुई थी, और 1.5 महीने पहले जब मैं जुड़ा तो उसके साथ 2 प्रोग्राम शुरू हुए थे, पीएसपी और सीआरटी, और ये लोगों के साथ स्कूल में जो चल रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये था कि 7 पीएसपी हो, पर हमारे पास 8 पीएसपी है। सीआरटी में इन्होंने 9 स्नेक एंड लैडर बनाए हैं, जिसके थ्रू ये स्किल्स सिखा रहे हैं स्कूल में, और जिस तरह इन्होंने टीचर्स का एटीट्यूड 0 से आगे बढ़ा दिया, एचएम का एटीट्यूड जो 0 से आगे बढ़ा दिया टुवर्ड्स देम, इज रियली सेलिब्रेटेबल। तो लगभग 7 जुलाई को मैं 7 फेलोज के साथ चुरू ब्लॉक में आया, हमने एक काम की शुरुआत की। इस 3 महीने के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें मैं इन फेलो से सीखा हूँ। इन 3 महीने के अंदर बहुत सारे बदलाव मैंने इन फेलोज के अंदर देखे हैं। ये फेलोज समाज से, स्कूल से, अपने पर्यावरण से बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं इन फेलोज से बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ। धन्यवाद। से मिलने मंथन के निकले
सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रुके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा घर से हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम।